कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे होने भी चाहिए। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए एक बड़वा भिंडी की रेसिपी लेके आई हूँ जो बहुत ही यमी है और बहुत ही जल्दी फटाफट बनती है। मतलब आप 5 से 10 मिनट में इसको बना लेंगे और इसे आप रोटी के साथ खाएं या पराठे के साथ खाएं, आपको दोनों में बहुत ही मज़ा आएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, हम स्टार्ट करते हैं भरवा भिंडी की रेसिपी। लेकिन उसके पहले प्लीज़ आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आती है तो, क्योंकि इससे मेरा मोटिवेशन बढ़ता है, ये मैंने आपको पहले भी बताया था। तो चलिए टाइम ज़्यादा वेस्ट ना करते हुए हम अपनी अगली रेसिपी की तरफ चलते हैं, भरवा भिंडी की रेसिपी। बनाने के लिए सबसे पहले हमने 250 ग्राम भिंडी ली है, उसको अच्छे से वॉश करके ऐसे चीरा लगा करके मैंने काट के रखा है। ये हमारे सारे ड्राई मसाले हैं जो हमें भिंडी में लगाना है, भिंडी के ऊपर लगाना है। ये हमारा 2 चम्मच बेसन है, 1 टीस्पून कश्मीरी मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर, ये हमारा 1 टीस्पून ये धनिया पाउडर है जो हमने ड्राई रोस्ट करके दरदरा कूट के रखा है, 1 टीस्पून सॉल्ट, 1 टीस्पून के लगभग हमारा अमचूर पाउडर, 1 टीस्पून के लगभग हमारा गार्लिक पेस्ट और 1/2 चम्मच हमारा हल्दी पाउडर। हमने एक बोल में सारी भिंडी को ट्रांसफ़र कर लिया है। अब हम इसमें धीरे धीरे सारे ड्राई मसाले डालेंगे। सबसे पहले हम बेसन डाल रहे हैं, फिर हम अपना रेड चिली पाउडर और कश्मीरी पाउडर मिक्स करके डाल रहे हैं, धनिया जीरा पाउडर, अमचूर पाउडर, गार्लिक पेस्ट, सॉल्ट, टर्मरिक पाउडर, सबको हम अच्छे से मिक्स करके 5 मिनट के लिए बस को हमें छोड़ना है। 1 चम्मच के लगभग पानी मिक्स करें, ज़्यादा नहीं। पानी मैंने इसलिए डाला है कि मेरा जो भिंडी है वो सारे के सारे मसाला को अपने ऊपर, मतलब मसाले की कोटिंग हो जाए भिंडी के ऊपर, इसके लिए मैंने थोड़ा सा उसमें पानी मिलाया है। ये हमारे भिंडी के ऊपर सारे मसाले की कोटिंग हो गई है प्रॉपरली, बिल्कुल कहीं से भी आपको ड्राई पाउडर नहीं दिख रहा है। तो बस इसे अभी हमें फ्राई करना है। ऑयल हमारा गर्म हो गया है, अब हम इसमें अपनी भिंडी डालेंगे। ये देखिए हमने इसमें भिंडी को डाल दिया है। बस हमें ये ध्यान रखना है कि हमें भिंडी को ढक के नहीं पकाना है, सेम पे पकाना है बट ढकना नहीं है।